हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मेरी मारुति मेरी पहचान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे ABS, EBD और ESP और हिल होल्ड असिस्ट सिस्टम और हिल डिसेंट असिस्ट सिस्टम और व्हीकल ट्रेसिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं जो ABS है। ABS की फुल फॉर्म जैसे कि होती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो दोस्तों, जैसे कि पुराने ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता था, हम गाड़ी में ब्रेक लगाते थे तो गाड़ी एकदम से लॉक हो जाते थे, उसके व्हील्स लॉक हो जाते थे और गाड़ी एकदम से फिसलती हुई रुक जाती थी या कभी कभी स्किड करती हुई दूसरी तरफ मुड़ जाती थी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब क्या है, इसमें थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब जब हम ब्रेक लगाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को यूज करते हैं, तो क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में एकदम से वो टायर्स को लॉक नहीं करता है और एकदम से पकड़ अपनी सख्त नहीं बनाता बल्कि छोड़ता है और पकड़ता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी होता है, इस तरीके से फट बहुत जल्दी से होता है। और गाड़ी क्या है, हम रोकने के साथ साथ हम गाड़ी को मोड़ भी सकते हैं और आगे निकाल सकते हैं साइड से मोड़ करके, लेफ्ट से या राइट से, जहाँ से भी हम ठीक समझे, जहाँ से भी हमें रास्ता मिले निकलने को वहां से निकाल सकते हैं और गाड़ी फिसलने से भी बच जाती है, स्पीड होने से बच जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था ABS। ठीक है, इसके साथ साथ EBD, EBD का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे हमने एक आगे व्हीकल था वो आगे चल रहा था, उसने एकदम से ब्रेक मारा और हमने भी पीछे से ब्रेक मारा, और तो क्या होता था, जैसे ABS ने क्या है, हमें स्पीड होने से गाड़ी को बचा दिया। ठीक है, तो ये भी उसी के ABS में ही हेल्प करता है, ये भी स्पीड होने से बचाता है और गाड़ी को जो उसमें एकदम से कभी कभी क्या होता है, गाड़ी फिसलते फिसलते दूसरी गाड़ी में टकरा जाती है, उस चीज से भी बचाता है और गाड़ी कभी कभी पलट भी जाती है, उससे भी ये काफी सेफ रखता है गाड़ी को। कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। जैसे कि गाड़ी को हमें रोकने के साथ साथ हमें मोड़ना भी होता है, स्पीड कम करने के साथ साथ जब हम मोड़ के आगे निकालते हैं तो उस समय पे ये क्या करता है, जैसे हमने राइट को टर्न लेना है और ब्रेक भी लगाना है, तो ये क्या करता है, जैसे राइट को टर्न लेना है तो लेफ्ट वाले टायर में थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई करेगा और लेफ्ट वाले में थोड़ा कम अप्लाई करेगा। तो किस टायर में कितनी ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कितनी ब्रेक फोर्स देनी है, ये EBD का काम होता है। ठीक है, तो दैट इज EBD। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और इसके बाद आता है ESP। ESP क्या होता है, ये है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम सिस्टम। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मतलब स्टेयरिंग की स्टेबिलिटी, गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसे हुई, स्टेयरिंग से। ठीक है, तो एक तो इसमें स्टेबलाइजर वार वगैरह भी लगाया जाता है गाड़ी में, लेकिन वो भी ESP में ही आता है। तो ESP सिस्टम एक ऐसा है जो कि सेंसर्स के अनुसार काम करता है, सेंसर्स से क्या होता है, सिग्नल लेता है और ECU को भेजता है। ECU क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो कि ABS को भी कंट्रोल करेगा और EBD को भी कंट्रोल करेगा और ESP को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो पहले सेंसर सिग्नल लेते कि किस कौन सा टायर किस स्पीड पे, जैसे हम गाड़ी मोड़ रहे हैं तो राइट को मोड़ रहे हैं तो राइट वाला थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे होगा और लेफ्ट वाला थोड़ा कम स्पीड पे होगा, तो लेफ्ट वाले पे क्या करना है, ब्रेक फोर्स अप्लाई करना है, और अगर लेफ्ट को रोक रहे हैं और लेफ्ट में मोड़ रहे हैं तो लेफ्ट में ब्रेक अप्लाई करते हुए मोड़ रहे हैं, क्योंकि आगे लगे ना गाड़ी, इस वजह से आगे गाड़ी है, तो अगर आगे गाड़ी लगे ना और मोड़ना भी है हमें, तो लेफ्ट को मोड़ रहे हैं तो हम लेफ्ट वाले में क्या करें, लेफ्ट वाले में क्या हो, ब्रेक फोर्स कम अप्लाई करेगा और राइट वाले में ज़्यादा करेगा, EBD का काम हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हम जैसे ही हम उसको पता चलेगा कि किसमें कितनी ब्रेक फोर्स जा रही है, ECU को पता चलेगा, तो वो ESP को सिग्नल भेज देगा। ठीक है, ESP को सिग्नल भेजते ही ESP समझ जाएगा कि हमने कहाँ को टारगेट करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो पहले से वो टारगेट बना लेगा। ठीक है, उसी तरीके से वो गाड़ी को स्टेबल कर देगा और स्टीयरिंग भी स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से फिर हम गाड़ी को आसानी से मोड़ पाएंगे और गाड़ी पलटने से या रोल ओवर होने से या स्किड होने से बच जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ABS के साथ मिलकर के कार्य करती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आता है हमारा हिल होल्ड असिस्ट सिस्टम। हिल होल्ड असिस्ट सिस्टम क्या है, जैसे हम चढ़ाई पे चढ़ते हैं, फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, इंक्लाइन प्लेसेस पे जाते हैं, ठीक है, अपसाइड को, तो क्या होता है, वहां पर पीछे भी गाड़ी, आगे भी गाड़ी, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम ब्रेक कभी लगाते हैं कभी छोड़ते हैं, तो ब्रेक लगाते हैं तो ठीक है, ब्रेक छोड़ा उसके बाद हम ब्रेक दबाते हैं तो इतने में कुछ सेकंड्स का या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो डिफरेंस होता है उसमें गाड़ी पीछे चली जाती है। तो पीछे जाते समय पीछे कोई अगर गाड़ी
खड़ी हुई है तो उसमें भी टक्कर हो सकती है। तो हिल होल्ड असिस्ट सिस्टम का क्या काम होता है कि वो ब्रेक फोर्स को कुछ टाइम तक और ज्यादा ब्रेक को अप्लाई करके रखता है, ठीक है, कुछ सेकंड तक, कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड तक, तो इससे गाड़ी पीछे जाने से बच जाती है। तो आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं, इससे गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर्स के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक बना देता है गाड़ी चलाना, क्या हिल होल्ड असिस्ट सिस्टम, ठीक है। अब जब हम फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हिल डिसेंट असिस्ट सिस्टम। तो जैसे हम नीचे उतर रहे हैं तो क्या होगा, उस समय भी वो थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई करके रखता है और गाड़ी को आराम से हम नीचे उतार सकते हैं, हमें कोई ऐसा फील भी नहीं होता, बहुत आराम से कम ट्रेंड बंदा भी गाड़ी को आराम से चला सकता है, ठीक है। तो ये होता है हिल होल्ड असिस्ट सिस्टम और हिल डिसेंट असिस्ट सिस्टम, आई होप आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हमारा आता है व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, जैसे आपकी गाड़ी कहीं पे भी कोई ड्राइवर चला रहा है या आपके बच्चे ले जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने फोन पे भी चेक कर सकते हो आपके एंड्रॉइड फोन पे कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है, मतलब जीपीएस सिस्टम आपका गाड़ी से और आपके फोन से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि हम पहले लाइव लोकेशन मोबाइल से मोबाइल ट्रैक कर लेते थे, बट फोन में तो लोग बंद भी कर लेते हैं लोकेशन, तो आपकी गाड़ी से आपको पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी कहाँ पर है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो आज की जो कार है उसमें किस तरीके से ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, अपडेट हो रही है, ठीक है, उसके बारे में। और इसके साथ साथ व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम आप आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जाओ जय हिंद।